प्रेगनेंसी के दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपको तकलीफ़ है तो बिस्तर पर चढ़ के बैठ जाए या सारा दिन आप बैठी रह के मैं तो हिल ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। अपना जो नॉर्मल काम करती हैं या उसको करिए, लेकिन कोई भी मूवमेंट जर्की नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आपकी डॉक्टर आपको सिखाती हैं वो करिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है या यूट्रस की पेन नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप सुबह शाम सैर करने जाइए। वो डायबिटीज़ अगर किसी को जाती है उसमें भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। और फिर जो योगा की एक्सरसाइजेज में डॉक्टर उनसे पूछ लीजिए अपने टीचर से कि कौन सा आसन करना है कौन सा नहीं करना, क्योंकि ये सारे आसन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हो सकते। परंतु डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, फिर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज सिखाई जाएगी, उससे आप भी ठीक रहती हैं, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक होती है और डिलीवरी भी आसान होती है।